हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने शहर की सारी टॉयलेट्स को गूगल मैप्स पे लोकेट करवा सकते हैं। सबसे पहले स्टेट्स को अपने सारी यूएलबीज़ के लिए एनेक्शर 2 फिल करके सेंड करना होगा, जिसमें हम आपसे स्टेट नेम, यूएलबी कोड, यूएलबी नेम, असेसर नेम और असेसर का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। पर तीन बातें ध्यान रहे कि यूएलबी कोड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी हम आपकी सिटी को अपनी डेटा के साथ मैच कर सकते हैं। दूसरा, एक यूएलबी में एक से ज़्यादा आप लॉगिन क्रिएट करवा सकते हैं। और तीसरा, किसी भी दो यूएलबी का नंबर सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको एक यूनिक लॉगिन मिलेगा जो कि आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा। जैसे ही आपको एक लॉगिन क्रिएट करके मिलेगा तो आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसमें अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना रहेगा। स्टेप 2 में आपको 3 सेक्शंस में डेटा फिल करना होगा, और ध्यान रहे कि ये डेटा आपको टॉयलेट लोकेशन पर ही फिल करके सेंड करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक टॉयलेट आईडी जनरेट होके मिलेगी। शो डेटा ऑप्शन के थ्रू आप इस डेटा को व्यू कर सकते हैं और फाइनली लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपका लॉगिन क्रिएट होगा, आप इस लिंक के थ्रू एक मोबाइल एपीके को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पे अभी एक डमी लॉगिन डाल रहा हूँ, क्योंकि ये डमी लॉगिन एक NDMC एरिया के आसपास बना है। स्टेट कोड, सिटी और सिटी कोड ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। फिर आपको यहाँ असेसर का नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल राम शर्मा असेसर का नाम है और उनका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आपने यहाँ पे डाल दिया। आप यहाँ पे लिखेंगे टॉयलेट की जोन, वार्ड नंबर फॉलोड बाय वार्ड नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि वो पब्लिक टॉयलेट है या फिर पब्लिक टॉयलेट में ही केवल एक यूरिनल है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पब्लिक टॉयलेट है। फिर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे कि वो टॉयलेट है या यूरिनल है या बोथ टॉयलेट एंड यूरिनल है। फिर यहाँ पे आप टॉयलेट का डिटेल एड्रेस लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल नियर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 आउटर सर्कल CP न्यू दिल्ली, और फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ का कोड है ये सब फिल करने के बाद आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि टॉयलेट किस के साथ एसोसिएटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुलभ के साथ, मार्केट, मॉल्स, फ्यूल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी और एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मार्केट। अब ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टॉयलेट में कौन उस टॉयलेट का रखरखाव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सुलभ ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रही है। यहाँ पर आप केयर टेकर का नाम डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन, यहाँ पर उस केयर टेकर का नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर कितनी सीट्स हैं वहाँ पर आप उसको फिल करेंगे, फिर वो कौन से दिन टॉयलेट खुला रहता है, संडे से सैटरडे। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो संडे को बंद रहता है और बाकी दिन वो खुला रहता है, तो मंडे टू सैटरडे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओपनिंग टाइम मैं अज्यूम करता हूँ कि वो सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है, तो मैंने 5 बजे और 11 बजे वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से जेंडर्स के लिए वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जेंट्स एंड लेडीज़, और वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाइल्ड फ्रेंडली है, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ATM है या नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन मशीन है या नहीं, एंड सो ऑन। वहाँ पे क्या वो फ्री ऑफ चार्ज है या पे एंड यूज़, आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 5 रुपये पर यूजेज में लग रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 फ़ोटोज़ मैंडेटरी कैप्चर करनी है,
आउटसाइड व्यू, फ्रंट व्यू और इनर व्यू, इसका एक एनेक्शर दिया हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि टॉयलेट्स की फ़ोटोज़ लेते हुए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, प्लीज़ उसको रेफ़र कीजिएगा। आउटसाइड व्यू फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे खींच ली फ़ोटो और उसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। फ्रंट व्यू के अंदर मैंने एक और रैंडम फ़ोटो खींच ली और उसको मैंने ओके कर दिया। इनर व्यू को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ध्यान रहिए, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं इस समय टॉयलेट के अंदर होना मेरा ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशंस कैप्चर करेगा और लोकेशन मेरी तभी सही आएगी जब मैं टॉयलेट के अंदर खड़ा होकर इसको कैप्चर करूँगा। तो मान लीजिए मैंने इसको अंदर खड़ा होने के बाद क्लिक कर लिया और ओके का बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं मेरे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ के कैप्चर हो गए और फाइनली मैंने डेटा को अपलोड ऑन द सर्वर कर लिया। आप देख सकते हैं अब एक नोटिफिकेशन आया है जो कि बताता है कि फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और मेरी इस टॉयलेट की टॉयलेट आईडी ये है और इसका क्रिएशन का टाइम ये है। इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पर राइट हैंड टॉप पे जाके आप शो डेटा के माध्यम से जो आपकी लास्ट एंट्री है उसको क्लिक करके आप उसके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें इस ईमेल एड्रेस पे अपने फीडबैक और क्वेरी भेजिए एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।